आई रिसेंटली क्रिएटेड अ वीडियो जहाँ पर मैंने स्पेसिफिकली यही बात करी कि हिंदू यूथ को ये समझना होगा कि हमारे लिए इम्पोर्टेंस धर्म के साथ साथ एक इकोनॉमिकल और फाइनेंशियल इम्पोर्टेंस भी बहुत ज़रूरी है। बट द वे दैट यूथ हैव रिवर्टेड इट टूवर्ड्स मी, उनका जो रिस्पॉन्स रहा उसकी तरफ, वो ये था कि यू आर टेकिंग हिंदूज अवे फ्रॉम देयर आइडियाज़, धर्मा तुम तो पैसे कमाने के लिए पुश कर रहे हो, ये कर रहे हो। सो यहाँ पर मुझे ये प्रॉब्लमेटिक दिखा बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड द एलिमेंट ऑफ द मनी कि कितना इंपॉर्टेंस है उस चीज़ की टू इन्फ्लुएंस मासेस, टू इन्फ्लुएंस एंड गिव योर बेस्ट आइडियाज़ टूवर्ड्स द पीपल। अब रीचेबिलिटी के लिए कितना इंपॉर्टेंस है इकोनॉमिक्स भी, ये इंपॉर्टेंस जो है, मतलब आप इस पर क्या सुझाव रखना चाहेंगे अपना? सुझाव तो क्या है, मेरे कुछ जो विचार हैं इस बारे में मैं वो साझा कर सकता हूँ। उसमें ये है कि देखो, हिंदूज जनरली जब वो किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं या उसके बारे में विचार विमर्श करते हैं तो कोई एंकरिंग नहीं होती है उसमें, डिस्कोर्स में वो किस बारे में क्या बात कर रहे हैं और वो ड्रॉ कहाँ से कर रहे हैं आइडियाज़, और उनकी कंसिस्टेंसी क्या है, वो किस फिलोसॉफिकल फ्रेमवर्क से चीज़ों को के बारे में सोच रहे हैं और उसको उसका विश्लेषण कर रहे हैं, ये डिफाइंड नहीं है। डिफाइंड इसलिए नहीं है क्योंकि नंबर वन कोई धार्मिक एजुकेशन नहीं है जहाँ हम अपने दर्शनों से और उनसे प्रभावित होके जो आज की समस्याएं हैं और जो चैलेंजेस 21st century के हैं उनको हम कैसे देखें, उनको कैसे समझें, और उनको दैट वी हैव कम्प्लीटली स्किप्ड एंड वी आर बेसिकली विक्टिम्स ऑफ एनलाइटनमेंट आइडियाज व्हेन वी टॉक अबाउट हिंदूज। तो विक्टिम्स इस तरह होते हैं कि यू इंटरनलाइज समथिंग विदाउट डाइजेस्टिंग इट, वो आपके ऊपर हावी हो जाते हैं और आप उनको यूज करते हो इस चीज को समझने के लिए, मतलब एक इम्प्रेशन देने के लिए कि आपके पास एक कंसिस्टेंट एक सोचा समझा वर्ल्ड व्यू है और अपने आप को सोशल गैदरिंग में इंटेलिजेंट साउंड करने के लिए आप वो चीज बोल सकते हो, पर क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं आता वैसे, ना तो आपका अपना ग्राउंडिंग है और ना ही आप दूसरों की जो जो विचारधारा है उसको ही ठीक से समझ रहे हो, तो आपके पास क्लैरिटी नहीं है। तो इसलिए हिंदू जब भी किसी चीज के बारे में बात करते हैं तो वो हवा में है, वैक्यूम में। इसलिए जो ये चीजें हैं, कंफ्यूजन जो है ना, एक तरफ से बोलते हैं कि हमें पैसा नहीं इम्पोर्टेंट है, दूसरी तरफ से पैसे के पीछे पूरी सोसाइटी भाग रही है। तो ये दोनों चीजें हमारे सामने सामने एग्जिस्ट करती है कि अगर हिंदुओं को ऑर्गेनाइज होना है, जैसे मान लो एक बड़ी पुरानी हमारे यहाँ पे जम्मू कश्मीर में एक ये होता था, कहा जाता था कि जम्मू में क्योंकि हिंदू मेजोरिटी है, और मैं इस जम्मू के लोगों का कोई उनके ऊपर उनकी आलोचना नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एज एन एग्जाम्पल यूज कर रहा हूँ उसको, कि जब हम कश्मीर में थे तो हम तो आउटनंबर्ड थे कश्मीरी पड़ी, तो हम वहां से बाहर आए तो जब वहां से हमारा पलायन हुआ तो पूरे देश में हिंदू ने कुछ नहीं किया, तो हम लोग जब आपस में बात करते थे तो हम कहते थे कि हिंदू क्योंकि इतना कम्प्लीटली टेकन इन बाय इकोनॉमिक्स है और उसके लिए अपनी दुकान चलाना इतना इतना बड़ा, हाँ, इतना इम्पोर्टेंट, इतना महत्वपूर्ण है कि वो दो दिन दुकान बंद करने को राजी नहीं, तो इस वजह से वो अपने जो हित की बात है वो भी नहीं कर पाता, वो डिमांड्स नहीं रख पाता, वो इंट्रांसिजेंस जो एक पॉलिटिकल एक लिबरल डेमोक्रेसी में जो इंट्रांसिजेंस चाहिए अपनी चीज को पाने के लिए, अपनी डिमांड्स को पूरा करने के लिए, वो हिंदू नहीं कर पाते। तो एक तरफ से ये रियलिटी है कि हिंदू इकोनॉमिज्म में पूरी तरह ग्रस्त है और वो अपने मतलब अपने पॉलिटिकल संघर्ष भी नहीं ठीक से कर पाते, और दूसरी तरफ से हिंदू ये भी बोलते हैं कि अरे भाई पैसा कमाना कौन सी बड़ी बात है, मतलब ये बड़ी कंफ्यूजिंग और बात है। इसको मतलब अगर हम हिंदू एपिस्टेमोलॉजी यूज करके अगर हम इसको समझना चाहें इस इशू को, तो बहुत सरल है, मतलब इसमें कोई इतना गूढ़ रहस्य है नहीं। तो पुरुषार्थ के फ्रेमवर्क से देखा जाएगा, और पुरुषार्थ में आप चौथा पुरुषार्थ जो मोक्ष है उसको अगर हम 2 मिनट के लिए साइड कर दें तो बचे धर्म, अर्थ और काम। तो ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की तरह है जहां धर्म सबसे ज्यादा, धर्म बेस है, उसके अंदर अर्थ है और उसके अंदर काम है।
आपकी मनोकामनाएं पूरी करना ये बिल्कुल एक वैलिड एस्पिरेशन है, लेकिन वो मनोकामनाएं पूरी तभी हो सकती है जब आपके पास पैसे हैं, जब आपके पास स्टेटस है सोसाइटी में, और वो पैसा और स्टेटस तभी आपके काम आ सकता है, और आपके इंडिविजुअली भी और कलेक्टिवली भी, जब आप उसको धर्म संगत रूप से उसको कमाएं और उसका प्रयोग करें उस पैसे। तो धर्म जो है वो बेसलाइन बन जाती है, और धर्म के आधार पर जो पैसा कमाया या लगाया जाए वो सबसे लॉन्ग टर्म में उसका वो सस्टेनेबल भी रहता है, और वो उससे पूरे विश्व का कल्याण होता है। ये हमारी सिंपल थिंकिंग है। तो इसमें कहीं पे ये नहीं कहा गया कि धर्म मतलब कि अर्थ की आवश्यकता नहीं, अर्थ तो एक पुरुषार्थ है और वो होना बिल्कुल आवश्यक है, लेकिन वो धर्म के अधीन है। तो ये क्लैरिटी बहुत आवश्यक है अगर हम इन इश्यूज के बारे में सोचते हैं। ऐसा कहना बिल्कुल गलत है कि अरे पैसे को क्यों देख रहे हो, पैसे क्या, वो बिल्कुल गलत है। लेकिन हाँ, दूसरी तरफ से ये भी बिल्कुल गलत है कि लोग क्या पहले मैं पैसे कमा लूं फिर बाद में देखेंगे। तो इट हैज टू हैपन टुगेदर, एंड धर्म इज फर्स्ट एंड देन इज अर्थ। तो ये जो प्राथमिकता है इस इन पुरुषार्थों की, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो लेंस जो है हमारा वो धर्म के थ्रू ही होना चाहिए व्हेन वी आर लुकिंग टुवर्ड्स ऑल ऑफ दिस ऑल थ्री अदर एस्पेक्ट्स ऑफ पुरुषार्थ. करेक्ट करेक्ट, धर्म इज द प्राइमरी पुरुषार्थ, इट इज द बेस ऑन विच द एंटायर स्ट्रक्चर कैन बी बिल्ट। एंड आई वुड आर्ग्यू, आई डोंट नो, मतलब मैं शास्त्र सम्मत बात कर रहा हूँ या नहीं, मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे देता हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन आई वुड आर्ग्यू दैट धर्म टेक्स प्रिसीडेंस ओवर मोक्ष, बिकॉज मोक्ष इज मोर लेस एन इंडिविजुअलिस्टिक परसूट, एंड धर्म इज वॉट मेक्स इवन मोक्ष पॉसिबल। सो या,